देश दुनिया जहां अभी 4G कनेक्टिविटी को लेकर बेहतर बनाने और 5G को लाने की तैयारी का काम किया जा रहा है, तो वही चीन की IT मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी 6G डेवलपमेंट की शुरुआत की जाएगी। चीन के IT मिनिस्टर मियाओ वी ने कहा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए ज़्यादा बेहतर और योग्य मोबाइल नेटवर्क की जरूरत है, इसलिए अब 6G टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया जाएगा। चीन की भविष्य की ओर पहल करते हुए चीन के IT मंत्री के अनुसार भविष्य में लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से डिजिटल बनाने और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भरपूर लाभ उठाने के लिए तेज नेटवर्क की जरूरत होगी। ड्राइवरलेस कार से लेकर तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए कनेक्शन के लिए ऐसे नेटवर्क की आवश्यकता होगी जो काफी तेजी से डेटा ट्रांसफर कर सके। खबरों की माने तो चीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर सारा ध्यान केंद्रित कर 6G नेटवर्क डेवलप करने की तैयारी में है। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो हुआई और JTE जैसी कंपनी तेजी से 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। हुआवे ने 5G टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए कई भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझेदारी भी की है। 5G नेटवर्क में मौजूदा स्पीड के मुकाबले 20 से 50 गुना ज़्यादा तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्किंग को कहा जाता है कि अब आपके मन में सवाल होगा कि किस तरह की नेटवर्किंग है। इस नेटवर्किंग में आपके उपयोग के सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये टेक्नोलॉजी बेहद उपयोगी और कामगार है। टेक्नोलॉजी ने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कितना आसान बना दिया ये तो सभी जानते हैं। ये टेक्नोलॉजी भी वही करती है। इसे अगर आसान लैंग्वेज में एक एग्जांपल के जरिए समझाया जा सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आपका एक डिवाइस आपके घर किचन आदि में मौजूद अन्य डिवाइस को कमांड देता है। इस तरह से एक डिवाइस को इंटरनेट के साथ लिंक करके बाकी डिवाइसेज में अपने अनुसार कुछ भी कार्य किया जा सकता है। जैसे कि एक बार बीमा कंपनी अपने पॉलिसी धारकों को सेंसर के माध्यम से किसी ऐसे क्षेत्र में बढ़ने से रोक देती है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।